बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज वॉट नो एक्सक्यूज. आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे लॉ पता नहीं था. कोई एग्जाम्पल दो ना सर. यही दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में लिए मालिक. यहाँ पे रेलवे में एक बंदा क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था और टीसी आया राइट टिकट चेक करने के लिए. टिकट चेकर आ गए. अब ये देखो ये अंकल जी बोल रहे हाश बज गया भाई चलो कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में. और बाकी के लोग ना मजे ले रहे पीछे से. ये देखो ये वो लोग भी दिखा देता. आप ध्यान से देखो ये ना खिड़की से देख रहे अंकल बज गए अंकल बज गए. और धीरे से क्या बोलेगा इसको टिप दे देंगे. भैया 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 ये ना ये पीछे जो अंकल खड़े इन्होंने टिकट नहीं निकाला देखो चुप रहे. और जैसे इस अंकल ने पकड़ा मतलब टीसी ने अंकल को पकड़ा, अंकल बोले अरे टिकट भी लेना रहता है, मैं तो पिछले 2 साल से ऐसे ट्रैवल कर रहा मेरे को किसी ने पकड़ा नहीं और हमको तो लगा कि गवर्नमेंट ने फ्री दिया होगा, मुझे टिकट विकेट का कंसेप्ट नहीं पता था. क्या ऐसे बोल के अंकल बच सकते हैं क्या? आंसर इज नो. वाई सर? रीड करो चलो लिखना है क्योंकि हमको ये लाइन पढ़ो. क्या लाइन है सर? वन शुड नो द लॉ टू विच हिज सब्जेक्ट बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. इसीलिए दोस्तों जब आप सीए बन जाते हो बाहर के जो इंटरनेशनल और मतलब बाहर के जो बिजनेसेस है राइट, बाहर के कंट्री के जो लोग हैं वो इंडिया में आने के बाद आप लोगों से कंसल्टेशन जब लेते हैं क्यों आपके पास आते हैं, क्योंकि आपको इंडिया के लॉ पता है, टैक्स लॉ हो या बाकी सारी ये कमर्शियल अभी हम देखेंगे वो भी लॉस, क्योंकि आप लोग उन्हें गाइड करते हो मालिक कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, क्योंकि उन्होंने बिना समझे अगर कुछ गलती की तो क्या हमारी गवर्नमेंट उन्हें माफ करेंगी क्या? नहीं. जस्ट बिकॉज ये रीजन कि आप बाहर से आए हो, आपको थोड़ी ना लॉ पढ़ने के लिए टाइम था, आपने थोड़ी ना सीए किया हुआ है. तो आपका साइंस का कोई दोस्त उसे भी समझा दो कि भले भाई तूने साइंस लिया लेकिन तुझे लॉ पता होना जरूरी है तो तुझे फ्यूचर में जाके हमारी ही जरूरत पड़ेगी. समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे तो अपन इतने भारी है कि अपने रिक्वायरमेंट सबको लगने वाली आ गए, क्योंकि लॉ पता नहीं होना ये एक्सक्यूज कभी भी नहीं होता. और इससे रिलेटेड क्या बातें हम आगे देखेंगे. वैसे एक दीदी के बारे में अपन पढ़ते हैं. ये दीदी ना गाड़ी लेके निकली, लाइसेंस तो था नहीं, दीदी को कभी पता नहीं कि लाइसेंस चाहिए या वो लगता भी है करके. और टू व्हीलर का लाइसेंस उन्होंने निकाला था बचपन में जब टू व्हीलर चला रहे थे तो. और एक कौन सी गाड़ी में? फोर व्हीलर में. अब पकड़ा वापस इंस्पेक्टर ने, बोला लाइसेंस. अरे दीदी बोले एक मेरा टू व्हीलर का लो, लेकिन बोलते कि नहीं नहीं फोर व्हीलर चला रहे हो. वो बोलते ऐसे भी रहता क्या? ये लॉ नहीं पता होना एक्सक्यूज था क्या? नहीं सर. और क्या पड़ गया? पावती पड़ गई. तो वापस इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज. समझ में आ रहा है? आगे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में, LLP में, कहीं पे भी आपको ये पूछा जा सकता है क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ, किसी बंदे को पता नहीं था, बहुत ही मासूम था, क्या उसे माफ किया जाएगा? कि आंसर इज नो. That's it, done.